माई डियर वंस, उपमा तो आपने बहुत टाइप के खाए होंगे, पर आज जो उपमा मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बना है होल ग्रेन से, और ये होल ग्रेन है जोवार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिलेट्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इस जोवार उपमा को बनाने के लिए इस ज्वार को हम सारी रात पानी में भिगो देंगे और नेक्स्ट डे हम उसको स्प्राउटिंग के लिए इस तरह से छोड़ेंगे। तो आपने देखा है कि ये कितने लंबे लंबे स्प्राउट्स आ गए हैं। स्प्राउटिंग जो है वो किसी भी सीड को कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना देती है। स्प्राउटेड ज्वार उपमा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर एजेंट होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है, और जो लोग वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी बोन्स के लिए, डाइजेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, एंड इट ऑल्सो बूस्ट आवर एनर्जी लेवल्स। तो अब हम ये स्प्राउटेड ज्वार लेकर इसे धीमी आंच पे स्टीम दिलाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक कप से हम इसको मेजर करेंगे कि अगर हम तो इसका उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे फ्रेश ग्रीन बीन्स,
स्टडीज़ ने शो किया है कि जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो ज्वार में, इनमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है जो कि एंटी कैंसर एजेंट का भी काम करता है। अब हम इसे ढककर कुछ